आज कद्दू का तो नियम ही होता है ये। अच्छा तो लग रहा है, कलर भी अच्छा है। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है नहाए खाए, ऐसे में नियम होता है कद्दू भात का, और अभी ये घूम रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज कद्दू भात खाने का नियम होता है, इसलिए तो उसकी तैयारियां करने जा रहे हैं। और आप सब भी आमंत्रित हैं हमारे घर, क्योंकि हमारे घर में हो रही है छठ पूजा। और अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ है, सिर्फ कह रहे हैं तैयारी करना है। अभी डुब्बू को भी देखना था ना, तो डुब्बू को सारा नहा धोकर डुब्बू तैयार कर दी है। और अभी जा रहे हैं फटा से पोछा लगाने। पोछा लगाने के बाद नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद हम जाएंगे खेतों में, और खेतों में कद्दू तोड़कर लाएंगे। उसके बाद बनाएंगे कद्दू दाल और भात, जो हम आप सबको भी खिलाएंगे। हम लोग इधर काम में बिजी है, और ये देखिए चार्जर को वहां से निकाल दिए और खेलने में मगन है। ऐसे काम हो जाएगा? सोचिए कि संभाल रहे थे हम सुबह से, इसलिए मूर्ति हम करने ही जा रहे हैं। सब चीज कर लिए, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है और नहाना धोना बाकी है। और आज कमर कसकर काम करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा महापर्व है, इसकी तैयारी तो हमें करना ही होगा। तो सबसे पहले जय माता दी और जय छठी मैया लिखना बिल्कुल भूलिएगा कमेंट में। अरे चार्जर लेकर मैं कहाँ जाएंगे? रखिए रखिए रखिए, एक बार मम्मी बाहर जा रही है इसीलिए। ओ तो चार्जर लेकर बाहर जा रहे हैं? पोछा लेने आ रहे हैं, मेरे पीछे देखिए छिप रहे हैं। इधर पोछा लगा रहे हैं और इनका इधर चल रहा है कार्टून। नहीं ना, आप नहा धो लीजिए। दोस्तों हम लोग नहा धोकर तैयार हो गए हैं और रूबी किचन में भिड़ चुके हैं, और अभी देखिए क्या बनाने वाले हैं। अभी ना चना का दाल और चावल चढ़ा देते हैं। और हाँ, आज हमने फ्रेश नमक ले आया है, क्योंकि वो नमक अच्छा नहीं होता है ना। नहीं मतलब उस नमक से हम लोग खाते हैं, उस नमक से आज खाना नहीं बनाना चाहिए। और इस चना दाल बिल्कुल अलग ही तरीके, क्या बना रहे हैं? इसी में बनाएंगे चना दाल। और इसमें इसमें चावल बनाए, चावल बनाए भी नहीं डाले, नहीं बनाएंगे इसमें। क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं, बंद कीजिए, बंद कर दीजिए उसको। दोस्तों भाभी ना हंसुआ दे रहे हैं काटने के लिए, और डुबो देखिए। आइए भाभी इधर आइए, उधर का है यहाँ पर भाभी, पीछे पीछे ओ तो सामने देखो 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 ना। ये है लौकी कलर, और ये वाला भी तोड़ना है, और इधर है दूर में, और बहुत सारा बाटे हैं। क्या आप लोग उधर रहना है? हाँ, आप तोड़ के लाइए इधर। तो यहाँ पर ब्रेकर है, इसलिए लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या आपको क्या चाहिए? आएंगे वहाँ। पाम नहीं, इधर सिर्फ धान का खेती है। कर दे। हाँ। आज कद्दू का तो नियम ही होता है खाने के लिए, और ताजा ताजा कद्दू मिल गया है तो और अच्छी बात है। पेड़ का कद्दू मिल गया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? पेड़ का नहीं, पौधा होता है ये। वही मतलब कि हरा भरा ताजा ताजा पौधे का कद्दू मिला। पकड़िए इसको, ले चलिए आइए। दोस्तों ये देखिए कद्दू ना ग्लास से छिलना चाहिए, तो ये चाकू से नहीं, छिलनी से छिल रहे हैं। लंबा वाला नहीं है ये, गोला वाला हाथ से पिछल जा रहा है। और ये क्या करना है? नहीं पापा का काम, सॉरी बेटा, डूबना। ये ना बस खोज रहे हैं अपना खिलने का उपाय, कुछ मिल जाए। बहुत सारा गेट के बाहर फेंक के रखे हैं, जल्दी से कट करके ना पहले बना लीजिए। देखिए चावल नहीं उठ यार, देखिए तो नहीं, चावल नहीं उधिया रहा। तो सिर्फ कद्दू भात खाना है या क्या, कैसे कुछ बताइए? दाल भात कद्दू का सब्जी, आप चाहे तो आलू को भी बना सकते हैं, लेकिन कद्दू भात ज्यादा मान्य होता है, इसलिए कद्दू भात और चना दाल की सब्जी बना देने। और इसमें घी से बनेगा, दाल भी घी से छौंक आएगा और घी से भी बनेगा कद्दू। इसमें सिर्फ जीरा का फोरन बस। हेलो बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं, बोलिए हेलो। मैं डुगू, हेलो ऐसा नहीं, हेलो बोलते हैं, हेलो बोल दीजिए। आप सब भी आ जाइए हमारे साथ छठ पूजा में शामिल होने के लिए। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। हाँ
हेलो आप सब भी आ जाइए, बोल दिए दुगु आ जाइए। तो आप सब दुगु के तरफ से इनवाइट है, आइए जाइए आप लोग। दोस्तों आप सब बोलते हैं, बार बार दुगु नहीं बोलते हैं, तो आज आपको दुगु इनवाइट कर दिया, बोल रहे आइए आइए। दोस्तों फाइनली कद्दू भात निकल गया है और चना दाल। हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। जो लोग छठ कर रहे होंगे उनके लिए है, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बाद में खा लीजिएगा। तो दोस्तों आप सब कल कह रहे थे ना कि दीदी आपने कैसा साड़ी खरीदा है, हमें बताया भी नहीं और दिखाया भी नहीं। तो जब हम कल साड़ी खरीदे थे ना तो तुरंत दुकान में दे दिए थे उनका फॉल लगाने के लिए, और ब्लाउज तो वो बोली कि एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर सोची क्यों ना मेरे पास गोल्डन ब्लाउज है तो मैं उसे काम चला लूंगी, लेकिन साड़ी में फॉल बहुत जरूरी है इसीलिए हम दे दिए थे। अब हम लोग जा रहे हैं उसी को लाने के लिए, और साथ में कुछ थोड़ी सी और भी शॉपिंग करनी बच गई थी जो हम कल नहीं कर पाए थे। दोस्तों डू कितना खुश है, पहले ही गाड़ी के पास आ गए क्योंकि इनको पता है कि हमें जाना है, और ये अभी पीछे ही पड़े हुए हैं। चलिए गाड़ी चालू कर रहे हैं, गियर को देखिए सीधा कर दिए, ये अभी गुस्सा में है, गाड़ी चालू कर देंगे आज। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, मेरे चुप। गाड़ी लेके चल रहे हैं, चल रहे हैं। दोस्तों आ गए हम स्टॉल खरीदने के लिए इनका, और ये पसंद आ रहा है क्या? ये देख रहे हैं अभी कौन सा अच्छा तो लग रहा है, कलर भी अच्छा है, कोई एक निकाल के देखिए। स्टॉल ले लीजिए, ज्यादा बड़ा शॉल क्या करना है, या शॉल में देख लीजिए जो अच्छा लगता है, इस टाइप में फाइनल हो गया क्या? ये वाला तो ये वाला भी इनको पसंद आया है, और इनका देखिए रोना शुरू हो गया। तो फिर नॉर्मल ही सही है। दोस्तों फाइनली हम आ गए घर पर, और ये देखिए साड़ियाँ पकड़े हुए हैं, और बगल में कुरकुरे ले चल रहा है। दोस्तों ये ना वही साड़ी है जो मैंने कल लिया था, और हमने तुरंत दे दिए थे पिको और फॉल करने के लिए, अभी जस्ट हम लेकर आए हैं ये दोनों साड़ियाँ, और साथ में ये भी खरीदे हैं। ये रहा हमारा स्टॉल, जो मेरे पास गरम स्टॉल नहीं था, शॉल है ना ये, हाँ शॉल है, गरम नहीं था इसलिए मुझे को लेना पड़ा, क्योंकि डुब्बू साथ में रहेंगे और सुबह शाम ठंडी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कह नहीं सकते हैं। तो बस और जो भी होगा आगे देखा जाएगा। ये साड़ी इनको बहुत अच्छा लगा, हम तो साथ में गए नहीं थे इसलिए हम वहाँ पर नहीं देखे हैं, चूज कर पाए, और ये लोग अपना पसंद से लिए हुए हैं, तब भी जो लिए हुए हैं अच्छा लग रहा है। और नहीं इसका पता है, इसका ना थोड़ा हल्का कलर था ना, और कभी इस टाइप का कलर पहने ही नहीं है ग्रीन साड़ी, थोड़ा सा डिजाइन भी अलग है। हाँ डिजाइन भी अलग है, थोड़ा हल्का भी लगा, सॉफ्ट लगा। और ये साड़ी तो वही है जो मैंने आपको पहली बार दिखाया था, ये साड़ी मेरे पास पहले से ही था, तो बस मैं एक साड़ी ही खरीदी, अपने बजट की हम सारा चीज करना पड़ता है ना। इसका सिर्फ पीको फॉल या कुछ लगाना था, सिर्फ फॉल लगवाना था। और साथ में ये रहा मेरा शॉल, गरम शॉल जो कि मैं ले ली हूँ, डुगू को ठंडा लगेगा तो डुगू को भी अच्छे से उड़ा के ऐसे कैच करके रखना होगा, और डुगू के लिए तो हमने स्वेटर पहले ही खरीद दिया था। और हाँ दोस्तों अब तो आप लोग के पास जो ही वीडियो पहुंच रहा है वो रियलिटी पहुंच रहा है जो हम कर रहे हैं, और कोई भी अटपटांग थंबनेल नहीं, न ही टाइटल मिल रहा है। अब तो शायद आपको लगता है कि अब सुधर जाएंगे और कमेंट को अच्छे से करेंगे, और मैंने टोपी जो पहन रखा तो वही खोल दिया है, अब ये भी शायद आपको अच्छा लगेगा, टकला कहने का एक मौका मिल जाता था, अब शायद आपको ना मिले, लेकिन कहने वालों को मुंह बंद नहीं कर सकते, वो तो कहेंगे ही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें, वो भी रियलिटी और सच। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बस बना चढ़ाकर बोल रही हूँ, क्योंकि आप सब तो कमेंट में फटाक से कर देते हो। अब प्लीज मैं आपसे हाथ जुड़कर विनती करती हूँ, वीडियो फुल देखिए उसके बाद आप हमें कमेंट कीजिए। आप लोग सिर्फ टाइटल और थंबनेल देखते हैं, फटाक से कमेंट मार देते हैं, तो ये चीज आप मत कीजिए, बस कोशिश कीजिए कि पूरा देख ले, और तभी आपको शायद उसके जो अंदर की जो बातें हैं आपको समझ में आएगी, तो आप शायद कमेंट उस टाइप पर नहीं लिखेंगे, और हम यही आशा करते हैं। और हाँ एक और चीज, हमारे घर तरफ कद्दू भात इसी प्रकार से नियम है, आपके घर तरफ कैसा नियम होता है हमें ये बात जरूर बताइएगा। और कद्दू भात हमने आज जो खाया है तो उस प्रकार से पता नहीं किसी घर नियम अलग होते हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं एक ही बार खाना होता है, और कोई बोलते हैं नहीं दिन भर मतलब जो खाना खा लीजिए और दोपहर के बाद आप नहा कर कद्दू भात खाइएगा, उसके बाद से आपको
जो है जैसे नमक या मतलब सबका अपना अपना नियम होता है करने के लिए। तो जो हम लोग के पास नियम है वो हम कर रहे हैं, और आपके पास में जो नियम है आप हमें वो सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप दोस्तों आज के बाद से हम उम्मीद रखते हैं आप जो है हमें गंदा कमेंट नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए सबसे पहले लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और छठी माई के नाम पर कम से कम एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।